नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में अब अमेरिका में चुनावी अभियान जोरों से चल रहा है। इसी बीच अमेरिका में रह रहे हिंदुओं ने बताया कि इस चुनाव में 2 प्रमुख पार्टियों में से किसे अपना समर्थन दे रहे हैं। हिंदू फॉर अमेरिका फर्स्ट नाम के संगठन ने घोषणा की कि वो चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करेंगे। यही नहीं, ये समूह पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना राज्यों में भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। गुरुवार को फैसले की घोषणा करते हुए हिंदू फॉर अमेरिका फर्स्ट के अध्यक्ष और संस्थापक उत्सव संदुजा ने दावा किया कि हैरिस के चुनाव जीतने से भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, चिंता ये है कि अगर कमला अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाती हैं तो वो कुछ उदारवादी लोगों को आगे ले सकती हैं जो एशियाई अमेरिकी मतदाताओं को प्रभावित करेंगे। जानने की बात है कि बाइडेन हैरिस प्रशासन ने सीमा को सुरक्षित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हैरिस राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद दूसरे नंबर की नेता है और उन्होंने अमेरिका में अवैध उपप्रवासियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, इन सभी अवैध उपप्रवासियों की वजह से यहाँ अपराध, ड्रग तस्करी रिकॉर्ड रूप से बढ़े हैं और इसका असर अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर कई एशियाई अमेरिकी बिजनेस ओनर्स भी उन सब पर पड़ रहा है। ट्रंप भारत समर्थन के बड़े समर्थक हैं। ऐसे ही संदुजा ने इमिग्रेशन सिस्टम की ओर अधिक मैकेट का आधार पर बनाने के लिए ट्रंप के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने भारत के साथ रक्षा और प्रौद्योगिक सहयोग में बढ़ावा देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत समर्थन के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहतरीन रिश्ते बनाकर और कई रक्षा परियोजनाओं को सहयोग कर सकते हैं जो भारत को चीन से मुकाबला करने में बहुत सक्षम बनाएगी। ट्रंप ने देश में आंतरिक मामलों में नहीं दी दखलंदाजी, ये कहकर संदुजा ने कहा कि हैरिस ने भारत सरकार और लोगों के बारे में कई बार अपमानजनक टिप्पणियां की। वहीं ट्रंप ने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि कमला हैरिस भारत अमेरिकी संबंधों में अस्थिरता लाएंगी। उन्होंने कहा कि हिंदू फॉर अमेरिकन फर्स्ट जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉसिन, एरिजोना और नेवादा जैसे राज्यों में हिंदुओं के बीच हैरिस के खिलाफ अभियान चला रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर भी वो बोले कि हम चिंतित हैं और वैश्विक हिंदू समुदाय बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा, हम सभी संबंधित राजनीतिक संस्थानों से इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत श्रेय देता हूँ। उनके नेतृत्व में विदेशी विभाग ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं के उत्पीड़न को स्वीकार किया, जैसे कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। ये राष्ट्रपति ट्रंप ही थे जिन्होंने हिंदू नरसंहार की बात स्वीकार कर ली। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।